Pues ya atrás, ¿no? ¿Tú? ये क्या है ये मैंने तो नहीं बुला, बस ठीक है मैंने। आप मुझे अगर देंगे तो मैं दे दूंगा, मगर समय लगाता होगा। अच्छा संदेश है, बस देखिए मैं आपके यहाँ हाजिर हो गया। हेलो, मेरे भाई की तरह से आपने मोहब्बत कमा। हाँ हाँ हाँ, आसिफ देवधरी में जाना है। एक माँ बाप की औलाद है, हमेशा जमीयत उलमा हिंद और हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारी जो पुरानी तारीख है हजारों साल की, कि हम गांव दर गांव प्यार और मोहब्बत के साथ रहते चले आए हैं, हमें अपनी उस पुरानी तारीख को जिंदा करना चाहिए। आज जो लोग फिरका परस्ती की ईंट रख रहे हैं और आपस में नफरत को पैदा कर रहे हैं, हम उसे कंडम करते हैं। हम ये समझते हैं कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ मामला होना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिससे मुल्क के अंदर भाईचारगी पैदा होगी। आपस में मेल मिलाप को छोड़कर नफरत को पैदा करना ये मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क को भी पीछे फेरेगा और एक दूसरे के साथ लोग बेजार हो जाएंगे। जिस तरह हम हमेशा से एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करते थे, हमें आइंदा के लिए भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए। यही हमारा पैगाम है। अब इस पैगाम को देते रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे हम बराबर इस पैगाम को देते रहेंगे। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया, बावजूद है कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन कर्नल साहब ने मुझको बुलाया और मेरे साथ सम्मान का मामला किया। मेरे दिल के अंदर हमारी जरूरतों को पूरा करे और ऊपर वाला हमें हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन किराम, हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया होली की एक तकरीब में देवबंद के पास एक गांव है वहां पहुंचे। हजरत ने बहुत अच्छी बात वहां की और भाईचारे का मैसेज हजरत ने देने की कोशिश की और हजरत ने कहा कि हम और जमीयत उलमा हिंद जब तक रहेगी और जब से है और जब तक रहेगी हम भाईचारे का प्यार और मोहब्बत का पैगाम ही दे रहे हैं और देते रहेंगे। इस तकरीब में हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया के कुछ लोगों ने गुलेल यानी रंग लगाने की कोशिश की तो हजरत ने मना फरमा दिया। नाज़रीन किराम, हजरत का अच्छा मैसेज है, हजरत ने अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा काम किया है कि हजरत गए हैं और हजरत यही चाहते हैं कि भाईचारगी सब में बड़े, भाईचारगी पैदा हो और ये जो नफरतें दिल में आ गई हैं ये दूर हो और जैसा हम पहले से रहते आ रहे हैं कि हमारे बाप दादा परदादा और सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते थे और एक साथ में बहुत सारी चीजें अपने काम धंधे सब किया करते थे, तो हजरत मौलाना ये चाहते हैं कि अभी वो वही माहौल पैदा हो जाए। लेकिन क्या हजरत मौलाना का वहां तकरीब में जाना ये सही है? इसके बारे में हम दारुल उलूम देवबंद का ही एक फतवा आपकी खिदमत में पेश करेंगे और हम स्क्रीन पर भी लगाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं कि दारुल उलूम के फतवे के हिसाब से मौलाना का ये कदम अब जो मौलाना ने उठाया है और मौलाना ने कही ये कदम सही नहीं है। सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि हजरत मौलाना को वहां नहीं जाना चाहिए था और सोशल मीडिया पर और भी बहस जारी है, इस बारे में भी बहस जारी है कि हजरत मौलाना ने रंग क्यों नहीं लगवाया। जब भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं, भाईचारे को आम कर रहे हैं और सब में भाईचारे की कोशिश कर रहे हैं, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, जो न्यूज एंकर है वो इस पर आवाज उठा रहे हैं कि मौलाना ने रंग क्यों नहीं लगवाया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हजरत मौलाना का ये कदम सही नहीं है, क्या मुसलमानों ने ही भाईचारे का ठेका लिया हुआ है? और जमीयत उलमा हिंद के स्टेज पर भी अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा कोई ऐसा बयान दिया गया कि जिसमें लोकेश मुनीर साहब नाराज होकर चले गए। क्या जो धर्म गुरु हैं और मजहबों के धर्म गुरु हैं
जो भाईचारे का मैसेज देते हैं, भाईचारे का प्रोग्राम करते हैं, इसके मुतालिक प्रोग्राम करते हैं, क्या उन पर मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम धर्म गुरु भी उस पर स्टेज पर जाते हैं, वो उनको बुलाते हैं? ऐसा आपको हरगिज नहीं दिखेगा और नहीं बुलाया जाता इनको। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मुसलमानों ने ही भाईचारे का ठेका लिया हुआ है। और नाजरीन किराम, बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में जमीयतुल उलमा कंटिन्यू प्रोग्राम किया करती थी और उसमें लाखों की भीड़ दिखाया करती थी और दहशतगर्दी पर और भी बहुत सारे अपने मसाइल को हल कराने की कोशिश किया करती थी, क्या आज इस दौर में मौलाना और जमीयतुल उलमा हिंद क्या झुक गई है? इन्होंने हुकूमत के आगे हथियार डाल दिए हैं? बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला इनका है, ये जाने हजरत मौलाना क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं, वो तो आप सबकी सामने आ गया है। हजरत मौलाना की वीडियो आपने देख ली है कि हजरत मौलाना भाईचारे का पैगाम और मैसेज देना चाहती हैं। बहरहाल हजरत मौलाना का ये कदम सही है या नहीं, आप दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा देख सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि हमारे इलाके में कुछ मुस्लिम नौजवान अपने हिंदू दोस्तों को व्हाट्सएप के ज़रिए उनके त्यौहार दुर्गा पूजा या दिवाली के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं, हैप्पी दुर्गा हैप्पी दिवाली इन अल्फाज के साथ। क्या इस तरह मुबारकबाद पेश करने से वो मन रहा मुनकिरन की वजह से ईमान से खारिज होगा? क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर इसमें गुनाह है तो किस दर्जे का? बराए मेहरबानी मुफस्सल व मुदल्लल जवाब दें। जवाब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैर मुस्लिम हजरात के त्यौहार वगैरह उनके मुशरिकाना एतिकाद पर मबनी होते हैं, इसलिए हमारे लिए मुशरिक से बरात और बेताल्लुकी का इजहार ज़रूरी है, और चूँकि मुबारकबादी देने में उनकी फ़िक्र व अकीदे की तौसीक व ताईद होती है, इसलिए इससे एतराज ज़रूरी है। बसा औकात ये सलब ईमान का भी बाइस हो सकता है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, आपने दारुल उलूम का फतवा भी देखा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों में उनको मुबारकबाद पेश करना कैसा है, ये आप समझ सकते हैं।